नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। तो ये ज्वार आटे के वेज उत्तपम बनाएंगे हम। तो ज्वार का आटा है जो कि बहुत हेल्दी और जल्दी डाइजेस्टिव होता है, और साथ ही बहुत सारी सब्जियां हैं, और थोड़ा हमने इसको चीज़ डाल के थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में कर दिया है। तो ये इस टेस्टी से और बहुत अच्छे दिखने वाले स्नैक को बनाते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक बाउल सब्जियों का लिया है। इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, प्याज है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इसे बारीक काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। एक कटोरी में मैंने ज्वार का आटा लिया है, आधी से कम कटोरी सूजी ली है, आधी कटोरी दही लिया है। टेस्ट से हम नमक लेंगे, और लाल कुटी मिर्च और काली मिर्च है, और थोड़े से ही हम पिज़्ज़ा सीजनिंग लेंगे। तो ये देखिए, एक बाउल में हम ये सारे सूखे सामान को मिला लेंगे। तो ज्वार आटा बड़ी इजीली आजकल ग्रॉसरी स्टोर पर मिलने लग गया, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अब इसमें हम दही मिला लेंगे, और पानी डालते हुए इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और थोड़ा सा हम इसी टाइम इसमें पिज़्ज़ा वाले हर्ब्स डाल देंगे, और पानी डाल के इसका और थोड़ा पतला बैटर कर लेंगे, क्योंकि सूजी और आटा थोड़ी देर में फूलेंगे तो पानी को सोक कर लेंगे। तो देखिए, बैटर रेडी है हमारा। अब आइए हम बनाते हैं। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो हम डोसे की तरह इस बैटर को फैला लेंगे, तो ये इतना स्मूथ नहीं होता है आटा, तो बहुत अच्छे और पतले नहीं बनेंगे, थोड़े मोटे ही उत्तपम बनेंगे। तो इस तरह फैला कर देखिए, उसमें सब्जी डाल दीजिए। सब्जियां कम ज़्यादा आप जितना खाना का चाहें उतना डाल सकते हैं। और थोड़ा हम पलटे की हेल्प से इसको दबा देंगे, और इसे कुक होने देंगे ढककर। इसको हम पलट देंगे, थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इसको पलट देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाए और सब्जियां भी थोड़ी कुक हो जाएं। पलट कर इसे हम फिर एक साइड से कुक कर लेंगे, और दोबारा इसको सब्जी वाली साइड में ऊपर ले आएंगे हम, और थोड़ा सा इस पर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। चीज़ हम यहाँ थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि चीज़ से फिर और सारे टेस्ट दब जाएंगे, तो हल्का चीज़ डालेंगे ताकि सब्जियों और उत्तपम का टेस्ट हमें आए। तो ये देखिए, चीज़ मेल्ट हो गया है। तो ये बहुत अच्छा ज्वार आटे का चीज़ उत्तपम तैयार हो गया है। एक दूसरे तरीके में देखिए, हम इस तरह बनाएंगे कि हम सारी सब्जियों को उस बैटर में मिला लेंगे। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा आपको। तो इसको ढकेंगे हम इस तरह फैला करके, और थोड़ा कुक होने पर इसको हम ऑयल लगाकर पलट देंगे। और जब तक ये दूसरी तरफ से कुक होगा, हम ऊपर फिर से चीज़ डालेंगे और इसे ढक देंगे। तो दूसरी साइड से कुक भी हो जाएगा, और थोड़ा चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये भी बनकर देखिए रेडी है। तो इस तरह दो तरीके से ये आप चीज़ उत्तपम बनाइए। तो ज्वार आटे का ये बहुत हेल्दी है सब्जियाँ हैं, ब्रेकफास्ट में बनाइए। इसको मैंने सेजवान सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी भी तरह की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।